रिजर पुलिस लाइन स्थित राधा कृष्ण मंदिर का शनिवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा निरीक्षण किया गया, साथ ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव के तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आगामी त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत रखते हुए मंदिर परिसर में साफ सफाई और पूजा अर्चना करने के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए निर्देशित किया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रति दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों की मनाही है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार को परंपरागत रूप से हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पुलिस लाइन परिसर में मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण संक्रमण को देखते हुए पुलिस लाइन के स्टाफ और मंदिर के पुजारी द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान आरआई लाइन उमेश दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा। वेबकास्टिंग हो रही हमारा सालाना फंक्शन है तो होगा ही जो लगा दी। हाँ सर, तीन दिन पानी को जमा दिया जाता है। क्या बोले पंडित जी? हाँ सर, चेंज होता है पूरा। अभी ये लोग निकाल लेंगे सर, केमिकल डाल के। पाँच छः लोग बैठ कर दिया, जितने आए हैं हमारे पास ग्यारह को बारह दिनों में 12 बजे तक अष्टमी है। रात में नहीं, साधु ठीक है। हाँ ग्यारह कल तक कम्प्लीट हो जाएगा, जनता आनी नहीं है तो कहाँ करोगे? जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना की गाइडलाइंस चल रही हैं, लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए सभी समारोह बनाए जाने के लिए निर्देश हैं, और जिसमें सार्वजनिक रूप से कोई भी समारोह नहीं हो रहा है, ना कोई त्यौहार हो रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में त्यौहार मनाएंगे और परंपरागत ढंग से पुलिस लाइन का जो मंदिर है उसको साफ़ सफाई करा के साफ कराया जा रहा है और सजावट अच्छे से की जाएगी, और यहाँ का जो स्टाफ है वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जन्माष्टमी अवश्य मनाएगा और धूमधाम से मनाएंगे। और यहाँ के लिए मैं सभी लोगों को इस पर यही कहूँगा कि हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो निर्देश हैं उसी हिसाब से हमें अपने सभी त्यौहार मनाने हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार हैं। जैसा कि अभी तक के, चाहे वो आपने देखा कि शिवरात्रि या आपका पूरा सावन का महीना, मंदिर में कोविड गाइडलाइन के तहत कोई बड़ा जुलूस नहीं निकला, कहीं कांवड़ नहीं निकली, कहीं कुछ नहीं निकला, तो उसी को मान ध्यान में रखते हुए ये साल हमारा चूँकि बहुत क्रिटिकल जा रहा है, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो है अपने अपने घरों में ही त्यौहार मनाएं और लॉकडाउन नियमों और कोविड गाइडलाइंस के तहत ही करें। नहीं, इस बार जो है जैसा कि हमने बताया कोविड गाइडलाइन के तहत ही हम जो है यहाँ मनाएंगे और कहीं भी किसी किस्म से भीड़ नहीं होने देंगे और एकदम कोरोना से बच करके, और बार बार जो हम बार बार संदेश देते हैं कि आपस में दूरी बना के रखें, बार बार हाथ धोएं, और जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर मत निकलें।